अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फौरन आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए उड़द की दाल कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। पैटर्न आप मेरी वीडियो का थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे। तो जब मैं दो दफ़ा इंट्रो और एंडिंग बनाती हूँ तो मेरी वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए अब से मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखाते वक्त ही उसका रेसिपी का इंट्रो आपको दे दिया करूँगी। तो उड़द की दाल कीमा बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उड़द की दाल कीमा के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट सबसे पहले चाहिए होंगे, उसमें हमने इसके अंदर हाफ के जी कीमा लिया है। ये मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, आप इसको बड़े से भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक कप दही है, खट्टा नहीं है मेरा दही, अगर आपके पास खट्टा हो 3/4 कप यूज़ कीजिएगा। क्वार्टर कप इसके अंदर मैंने फ्राई की हुई अनियन ली है, ये एक लार्ज अनियन को आप फ्राई करेंगे तो क्वार्टर कप बनेगी। 4 टेबल स्पून भर के है, 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर है, जिंजर पेस्ट है तो वो यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा नींबू का रस जाएगा, 2 हरी मिर्चें चॉप करके लेंगे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके उसमें से हाफ मैंने ग्रेट कर लिया, हाफ जो है वो मैं जूलियन डालूंगी इसके अंदर। और जो मसाले इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 चुटकी अजवाइन है, क्योंकि उड़द की दाल जो है माश की दाल जिसको कहते हैं वो काफ़ी बादी होती है, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, ये हसबे ज़ायका यूज़ कीजिएगा, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर है। ऑयल तकरीबन इसके अंदर 1/2 कप जाएगा और हम इसमें लास्ट में हरा धनिया भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ मैं इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम जो है वो उड़द की दाल या माश की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने 3 घंटे से भिगो रखी है, जितनी ज़्यादा भीगी हुई होगी और फूली हुई होगी उतनी ज़्यादा कीमे के साथ जो है वो आराम से गल जाएगी, वरना कभी कभार ये अकड़ भी जाती है। दूसरी बात ये कि मोटा कीमा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इसको और ज़्यादा देर भिगोइएगा, अगर आपके पास मेरी तरह दरमियाना कुटा हुआ कीमा है तो फिर आप इसे 2.5-3 घंटे भिगो दें गर्म पानी में और फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। 1/2 कप ऑयल मैंने एक पैन के अंदर ले लिया है, इसके अंदर सबसे पहले हम अजवाइन और ज़ीरा डाल देंगे, इसे हल्का सा कड़कड़ाएंगे और साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। इसी के साथ इसमें कीमा चला जाएगा। अब हम कीमे को अच्छे तरीके से लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे। कीमे को मैंने लहसुन अदरक के साथ मिक्स कर लिया है, कवर लगा रही हूँ और 3-4 मिनट के बाद इसके अंदर खूब अच्छी तरह इसका पानी रिलीज हो जाएगा, तो तेज़ आंच करके इसे भून लूँगी। तो देखिए, खोल के कवर हटा के और मैंने इसको तेज़ आंच के ऊपर अच्छे से भून लिया है, ज़्यादातर पानी इसका खुश्क हो गया, बिल्कुल ज़रा सा ही रह गया होगा। तो अब मैं इसके अंदर ये तली हुई प्याज डाल रही हूँ और साथ ही डाल रही हूँ ये सारे मसाले, आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला इसमें दम पे भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते हैं। मसाले को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी। मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डाला है, मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ ताकि मसाले का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास पहले से तली हुई प्याज ना हो तो आप सबसे पहले प्याज तलेंगे, उसके बाद जीरा कड़कड़ा के और फिर बाकी का
काम करेंगे और प्याज तल के निकालेंगे नहीं बल्कि उसी में रहने देंगे। अब देखिए अच्छे तरीके से कीमा जो है वो भुन गए। अब इसके अंदर चली जाएगी उड़द की दाल। दही हम बाद में डालेंगे जब दाल आधी कच्ची पक्की हो जाएगी, वरना तो ये अकड़ जाएगी। अब इसे भी मिक्स करेंगे। तो मैंने पानी डाल दिया, इसको कवर लगा रही हूँ, आंच को मीडियम कर रही हूँ और अब मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि दाल जो है वो तकरीबन 60-70% गल जाए और ये पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर दही भूनेंगे। तो देखिए दाल हमारी अच्छी गल गई है, तकरीबन हाफ वे हो गई है और जो है इसका पानी सारा खुश्क हो गया। मैं दबा के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अब इस वक्त हम इसके अंदर दही डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे, बाकी की दाल जो है ये दही के पानी में ही गल जाएगी। अब इसके अंदर मैं आधी से ज्यादा अदरक डाल रही हूँ, सिर्फ थोड़ी सी गार्निश के लिए छोड़ रही हूँ। साथ ही चली जाएंगी थोड़ी सी ये हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। बाकी का हरा धनिया मैं दम पे डालूंगी। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आंच को बिल्कुल धीमा कर रही हूँ, कवर लगा रही हूँ और अब मैं इसको 10-12 मिनट और पकाऊंगी। दाल बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी और ये भून जाएगा, तो फिर मैं इसमें हरी मिर्ची और अदरक डाल के इसे 2 मिनट दम पे रखूंगी और ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने 10-12 मिनट इसको पका लिया है और इसके अंदर जितना भी पानी था वो ज़्यादातर खुश्क हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा ढलढला रखें, चाहें तो इसको बिल्कुल खुश्क कर लें। तो मैं आपको अब दाल दिखाती हूँ कि ये कैसी गल गई है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी सी दाल गल गई है ये। तो अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार, सुपर यमी और बहुत ही इजी बनने वाली उड़द की दाल कीमे की डिश बिल्कुल रेडी है। लीमू मैंने आपको इसमें स्क्वीज़ करते हुए नहीं दिखाया है, अलग से रखा है, तो जो जितना चाहे वो डाल के खा सकता है। इससे बहुत ही मज़ा इसका बेहतरीन हो जाता है। तो इसे ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे देख लीजिए, वहाँ काफ़ी अमेजिंग रेसिपीज़ होती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।